अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो शादी आपके सामने खत्म हो चुकी है। बारात का मैंने सीन आपको बता दिया था कि यहाँ पे बारात ऐसी होती है कि बारात होती है, हली वलीमा होता ही नहीं है। तो वो सब खत्म हो चुका है, शादी खत्म हो गई है कल। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि अब हम, क्योंकि जाहिर आपको पता है शादी के मशहूर में बिजी हुए हुए थे, हम कहीं गए नहीं, अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से नीचे जाएंगे शहर वाली साइड पे, वहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे और नाइट में हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं उसको देखने के लिए आपको हमारा व्लॉग देखते रहना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। आंखों का हाल सब कुछ आपको पता, थकावट, लेट सोना, गला भी बैठ गया है, तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस अपने घर को निकल जाएंगे, हम जा रहे हैं एक टूर पे, उसके बाद वो टूर एक नाइट स्टे का होगा और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे लाहौर वापस इंशाल्लाह। खैर खैरियत से आप लोग दुआ करिएगा कि खैर खैरियत से हो। ब्लॉग्स मुझे पता है बहुत लेट हुए हैं, लेकिन ये कि क्या करें भाई, यहाँ पे इंटरनेट क्या, यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की कमी है और उम्मीद है कि ये कभी ना कभी तरक्की कर ही लेगा। और अभी के लिए क्योंकि हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, बैग्स वगैरह सब बाहर चले गए हैं, व्लॉग यहाँ पे सुबह सुबह स्टार्ट नहीं हो पाता, बस मसरूफियत इस तरह की होती है। मेहमान इन लोगों के अभी गए हैं और कुछ तबीयत डाउन चल रही थी और इस वजह से आपको नज़र भी आ रहा होगा, अभी भी थोड़ी थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो अभी ये है कि हम लोग यहाँ से नीचे हाइकिंग करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद वहाँ से गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा एरिया ऐसा है कि वहाँ पर गाड़ी नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा हाइकिंग करके नीचे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से गाड़ी आ जाएगी और फिर हम लोग वहाँ से नीचे चले जाएंगे जो मेन शहर है, वहाँ पे जो घर है वहाँ पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, उसके बाद रात 10-11 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे 2 दिन का टूर करके इंशाल्लाह उसी दिन कोशिश करेंगे कि वापस अपने घर लाहौर चले जाएं इंशाल्लाह। बाकी क्या होता है क्या नहीं, कहाँ जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में बताते हैं, अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के रेस्ट करके आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तो चलो चलते हैं। A few moments later, और अपनी खतरनाक रास्ता आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये रास्ता बेशक देखने में इतना खतरनाक नहीं लग रहा, लेकिन जब हम लोग उतर रहे थे बस हमारी तो अल्लाह तौबा ही निकल रही थी, बस सबने अपने अपने मज़हब का कलमा पढ़ लिया था और तौबा कर ली थी, क्योंकि ये नीचे उतरते वक्त बहुत डर लग रहा था, आधी बस खाई में चली जाती थी। हम लोग आ गए हैं घर और अंधेरा हो गया है और हमें आते आते थोड़ा टाइम लग गया। हमारी थोड़ी गाड़ी वाला जो ड्राइवर था ना, वो इतने नखरे कर रहा था ना कि ऐसे नहीं बैठे, बहुत तंग किया हुआ था उसने हमें। तो हम लोग घर आ गए, हम लोग घर बिल्कुल डायरेक्ट घर नहीं आए थे, मोबाइल ज़रा लो हो गया था, तो हम लोग थोड़ा सा बाजार में चारा छारा लेके आए हैं। क्या बोला तूने? मतलब चीज लेके आए हैं और वो लेके आए हैं और अब घर आए हैं और अब आगे खाना शाना खाएंगे और फिर चलेंगे हम लोग मस्तियाँ जाने से पहले। चलो जी निकल गए हैं अब हम लोग। आई नो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ हुआ है, और आपको कहीं स्टे आता है तो फिर वहाँ पे मिलते हैं। हेलो जी, अभी हम लोग आए हैं स्टे पे और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नारायण, हम लोग जा रहे हैं नारायण, ये कोई नाम नहीं मुझे पता इस जगह का क्या है, लेकिन कोई जगह थी और हम लोग काफ़ी थक गए थे, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा स्टे कर लेते हैं। और आपको पता है चाय ज़रूरी है, तो अब मज़ेदार अभी चाय पीने लगे हैं और थोड़ा सा स्टे करेंगे, थोड़ा सा कुछ खाने पीने की कोशिश करेंगे, अगर खाया गया तो ठीक है, वैसे हम डिनर वगैरह करके आए थे, लेकिन यह कि अगर किया गया तो वो करेंगे। और उसके बाद टूवर्ड्स नारायण, सुनने में आया काफ़ी ज़्यादा रश है नारायण में, काफ़ी जो है वो टूरिस्ट आए हुए हैं। तो कुछ पूछा मैंने कुछ, तो लेट्स सी, दुआ करें आप लोग हम लोगों का खैर खैरियत से टूर गुजर जाए, बस वन नाइट स्टे के साथ हम लोग चलेंगे। और ये कोई मिड है उसका, यहाँ से आगे नारायण 3 घंटे का आ रहा है, और बाकी लेट्स सी, तो एंजॉय।
और एक बार और फिर से हमने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। वगैरह हमारा बहुत अच्छा जा रहा है और अब हम लोग जरा बैठे हैं कहीं और आप लोग को दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत जगह है। एस्थेटिक सी प्लेस बनी हुई है यहाँ पे, इतना हैवी वेदर और ये पानी इतना ठंडा पानी है ना, 2 मिनट ऐसे रखो तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है, अंधेरा चला गया है, अब हमें सही प्यारे प्यारे नज़ारे मिलेंगे जो हम भी ये देखेंगे और आपको भी दिखाते हैं। तो हम लोग कगान पहुंच गए हैं और यहाँ पे अब हमारे ड्राइवर की हालत बस हुई है, अब हमें यहाँ पे होटल शोटल लेना पड़ना है और फुल धूप भी है लेकिन इतनी सर्दी है ना इस धूप में भी कि जैकेट पहननी पड़ गई है। अब आयशा के लिए हम लेने आए हैं कपड़े सम, क्योंकि उसके पास कपड़े ही थे और यहाँ पे मुझे वो क्यूट सी कैप्स होती है ना सिंधी और ट्रेडिशनल, वो इतनी क्यूट क्यूट सी मिली है ना और कितनी खूबसूरत है कुछ कुछ। तो जी हमें इमरजेंसी में क्योंकि आयशा के गर्म कपड़े लेने पड़ गए थे, वजह ये थी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी और इसलिए हमें बस जल्दी जल्दी से कुछ थोड़े से कपड़े लेने पड़े हैं। अब हमने वो ले लिए हैं, फटाफट चलते हैं अपने रूम में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग बस 2 से 3 घंटे रेस्ट करके हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और अब आपसे मिलते ही ये दोबारा उठ के सो के उठ के। अच्छा जी अब हम लोग निकल चुके हैं नादान की तरफ, रेडी शेडी हो गए हैं भाई, पिक्चर्स जो तो लेनी है ना व्हाट्सएप पे भी इंस्टा पे भी अपडेट करेंगे। लास्टली जिन्होंने अभी तक हमारे इंस्टा को फॉलो नहीं किया वो जल्दी से जाके इंस्टा को भी फॉलो कर दीजिए। और अभी हम नादान की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा रश है, थोड़ा सा है माइनर सा, लाइक ट्रैफिक का फ्लो चल रहा है रुका नहीं, और वहाँ भी क्या सिचुएशन है वो वहाँ पहुँच के देख लेंगे। और मौसम की सूरत हाल बहुत मज़े किया, मौसम बहुत मज़े का यहाँ पे, और अब इसके लिए चलते हैं और थोड़ा थोड़ा रूट भी आपको दिखा देते हैं ताकि आने वाले जो लोग आ रहे हैं उनको भी आइडिया हो।
मौसम में इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स मिल रहे थे ना कि अब इस बर्फ़ को देख के हमारा खेलने को दिल किया गया था, तो हम भी एक ग्लेशियर पे रुक गए और वहाँ पे स्लाइडिंग भी बनी हुई थी, अभी हम वो भी लेंगे। लोग वहाँ स्लाइड ले रहे थे और ये लोग यहाँ पे खाना बना रहे थे, और जब तक ये लोग खाना बना रहे हैं तब तक मैं और आयशा हम लोग आ गए ये बकरियों को देखने। इसमें भेड़ वगैरह भी थी लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी ना, और किसी किसी की तो दुम थी और किसी किसी की दुम भी नहीं थी, और इतना ये पीसफुल व्यू था ना कि मैं इसको यहाँ पे बैठ के घंटों देख सकती हूँ। और बादल तो फिर से हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने फिर से डिस्कशन शुरू कर दी है कि हम लोग, और हमारे साइड पे एक चील जा रही है बहुत खूबसूरत सी, लुलू सर लेक इसका नाम है। अब भी रात हो गई थी देखते ही देखते वो झील के पास, तो हम ये बट होटल के पास रुके और थोड़ा सा खेले कूदे, और ये भी बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगी। आ चुके हैं वापस, रात के बज रहे हैं कोई 2:15 और अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। हमारे साथ बहुत से मिसहैप्स हुए, मिसहैप्स नहीं एडवेंचर हुए। हमारी गाड़ी एक जगह ख़राब हो गई, फिर वहाँ पे इतनी शदीद ठंड थी, हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो फिलहाल ये है कि अभी के लिए हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। वहाँ पर क्या कुछ हुआ है पिक्चर्स के क्लिप्स के फॉर्म में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको व्लॉग में वो सब देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हुई है। कल के व्लॉग में, परसों के व्लॉग में थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे क्या क्या कुछ किया, क्या क्या कुछ हुआ। अभी के लिए व्लॉग का कहते हैं यहीं पर एंड। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।